जय हिंद साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप अपने घरों में सुरक्षित बैठे होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आगे भी सुरक्षित ही रहेंगे। लेकिन कोरोना महामारी को लेकर मेरे पास जो खबर है, मुझे आपको उसको बताना निहायत ज़रूरी है। और खबर ये है कि पिछले दिन यानी कि मंगलवार 31 मार्च 2020 को कोरोना के मामले जो एक दिन में सामने आए हैं उनकी संख्या है 315 और इसी के साथ कोरोना के मामले अब कुल मिलाकर 1600 के ऊपर पहुंच गए हैं। कोरोना किस रफ्तार से बढ़ रहा है आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपको कोरोना की बढ़ने की असली रफ्तार को मापना है तो पिछले तीन दिन में आप इसको देखिए। पिछले तीन दिन में जितनी तेजी से कोरोना के 626 मामले सामने आए हैं, ये कुल कोरोना के सामने आए मामलों के 40% हैं। अगर हम कहें तो पिछले तीन दिनों में अब तक के सामने आए मामलों के 40% मामले सामने आए हैं, तीन दिन में 40%। और अभी तो ये दूसरी स्टेज का कोरोना है। अगर ये तीसरी स्टेज में पहुंच गया, यकीन मानिए आपके पास आपके शवों को कंधा देने के लिए लोग नहीं मिलेंगे। ये कोई हवा की बात नहीं है। आप अमेरिका में और ब्रिटेन में देखिए, वहाँ की खबर छपी थी कि पादरियों की कमी है लोगों के अंतिम संस्कार के लिए, और वह दिन दूर नहीं। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है आप सोच नहीं सकते हैं। वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहाँ हर आदमी एक आदमी के लिए अलग कमरा हो सकता है, हमारे यहाँ एक कमरा है और 10 आदमी हैं। यहाँ हम घरों में दुबके बैठे हैं तब कोरोना इतना तेज फैल रहा है। अगर ये कोरोना तीसरी स्टेज में हिंदुस्तान में पहुँच गया तो एक कमरे में 10 आदमी कैसे समाएंगे? 10 by 12 के यहाँ कमरे हैं और उस कमरे में 10 लोग रहते हैं। अगर हम घरों में भी सुरक्षित नहीं रहेंगे तो कोरोना किस हद तक भारत में तबाही मचाएगा, ये बात आपके लिए सिर्फ सोचने भर से आपके रोए खड़े कर सकती है। आपको यकीन नहीं होगा कि पिछले 1626 मामलों में कल में जो मंगलवार को नए मामले सामने आए थे उनमें महाराष्ट्र में 82 नए केस थे, तमिलनाडु में 57 नए केस थे। अगर हम सबसे पहले केस को देखें तो 30 जनवरी को हमारे सामने कोरोना का सबसे पहला केस आया था 30 जनवरी को, और देखते ही देखते 2 महीने में हम 600 के ऊपर पहुंच गए, सॉरी माफ कीजिए 1600 के ऊपर पहुंच गए। और ये रफ्तार जब बढ़नी शुरू हुई तो 14 मार्च की तारीख थी, 14 मार्च के बाद इन्होंने जो रफ्तार पकड़ी है, और पिछले तीन दिनों में तो 40% मामले। लेकिन फिर भी लोग सीरियस नहीं है। तबलीगी जमात नई दिल्ली निजामुद्दीन में 2100 लोग पाए गए, उनमें से कितने लोगों को कोरोना है, कितने लोग उन्होंने राज्य के अलग अलग राज्यों में अलग अलग हिस्सों में गए हैं, उनका क्या कह रहे हैं वो लोग? कह रहे हैं कि हमको अगर मस्जिद में जाकर मौत मिल जाए तो समझो हमारा तो काम हो गया। मतलब उनको जाके मस्जिद में मरना अच्छा लग रहा है। ये कितने सोचने की बात है। उनको ये सोचना चाहिए कि तुम खुद तो मर ही रहे हो, इस समाज को क्यों मार रहे हो? आपके बाहर निकलने से न सिर्फ आप दूषित हो रहे हो बल्कि आपका पूरा समाज, आपका परिवार, आपका मुल्क दूषित हो रहा है। ये महामारी फैल रही है कोरोना बाहर निकलने वाले लोगों से। यहाँ लोग घरों में बंद हैं, उनका काम धंधा ठप है, खाने को अनाज नहीं है, जैसे तैसे अपना काम चला रहे हैं और उन सब की मेहनत को बर्बाद कर रहे हैं ये लोग जो बाहर घूम रहे हैं। बर्बाद कर रहे हैं उन लोगों की मेहनत को जो दिन रात अपना मोर्चा संभाले हुए हैं, हमारे पुलिस के साथ ही हमारे हॉस्पिटल्स के डॉक्टर, उनके कुछ आप देखिए सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हैं, कुछ डॉक्टर्स के और नर्सेज के इन जगहों पर मास्क से बहुत तगड़े वाले निशान पड़ गए हैं। पुलिस वाले दिन रात ड्यूटी में लगे हुए हैं और ये लोग हैं कि इस बात को शर्म नहीं आती इन लोगों को कि हमारी वजह से पूरा हिंदुस्तान लॉकडाउन है और इनको 21 दिन चुपचाप नहीं बैठ सकते अंदर। कितनी हद की बात है। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपके घर के बाहर गोलियां चल रही हों तो क्या आप घर से बाहर निकलेंगे? घर में अंदर बैठोगे ना, तो बाहर गोलियां ही चल रही हैं। इस गोली से खून नहीं निकल रहा है, आदमी सीधा मर रहा है, आदमी सीधे मर रहे हैं। बहुत बहुवचन में लोग मर रहे हैं। ये महामारी है, ये कब कितना बड़ा रूप ले लेगी आपको इसका अंदाजा भी नहीं है। इसका पहली झलक आप देख सकते हैं, तीन दिनों में 40% लोग, 626 नए केस सामने आए हैं। तो प्लीज आप इस गहन संकट को समझिए और सीरियस हो जाइए। घर से बाहर तभी निकलिए जब निहायत ज़रूरी काम है, और कुछ आप अपने फैशनेबल कामों को रोक सकते हैं इन दिनों के लिए। जिंदा रहोगे तो कर लोगे, जिंदा नहीं रहोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। और 21 दिन अगर कुछ लोग ये सोचकर ये काम कर रहे हैं कि सिर्फ 21 दिन के लिए ज़िंदगी बची है, तो इतना कुछ कर लिया अब 21 दिन में ही क्या कर लोगे? और रुक जाइए 21 दिन, यकीन मानिए जिंदा भी रहोगे और शौक पूरा करोगे, आपके बच्चे भी, आपके आने वाली पीढ़ियां भी, आपकी आने वाली जमातें भी।
अंदर रहिए, सुरक्षित रहेंगे आप भी, आपका परिवार भी, आपकी सोसाइटी भी, आपका गांव, आपका शहर, आपका राज्य, आपका मुल्क। आपकी मुल्क की जिम्मेदारी आपके हिस्से की आती है। अगर आप सही हैं तो मुल्क का धीरे धीरे करके पूरा मुल्क भी ठीक हो ही जाएगा। बेहतर है कि आप अपने घरों में रहें। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप दान करें। आप दान करते हैं, आपके पास उतना पैसा है, आप कर सकते हैं, लेकिन आप आज सच्ची देशभक्ति दिखाने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो प्लीज़ आप घरों में रहिए, यही देशभक्ति है। कैमरामैन अजय कुमार के साथ सोनू कुंतल, व्यूज़ इंडिया। अपना और अपना का खूब ख्याल रखें, मुल्क की हर मुमकिन सहायता करें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। धन्यवाद।